सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। तो हम स्वस्थ रहने का सबसे सरलतम उपाय योगा, योगा कर रहे हैं हम। तो जो हमारा यहाँ तक चला था, कल मैंने आपको बताया था कि 7 योग क्रियाएं हैं, उष्ट्रासन से लेकर के सुप्त वज्रासन तक। एक बार मेरा मन ये करता है, बहुत उपयोगी है, तो पूरा एक बार मैं आपको आज ये पूरे 7 ही योग क्रियाओं को मैं दोहरा दूंगा, और कल फिर नए योगासन को, मतलब इसको बताऊंगा। मेरा मन है बहुत उपयोगी है, लगभग मतलब सभी हमारे बॉडी के अवयव जो है, शरीर के अवयव है, उनको उससे फ़ायदा हो जाता है। इसलिए एक बार मैं बिना बोले आज कुछ ही नहीं कहूँगा, खाली 7 को दोहराऊँगा, और उसके बाद में कल हम दूसरे, मतलब एक ग्रुप होता है, मतलब एक स्थिति में अपन बैठते हैं तो उसमें 2-3 आसन हो जाते हैं, तो ये एक ग्रुप है, यहाँ से चालू करते हैं हम। तो अब मैं बराबर उसको बिना बोले, आपको रेचक पूरक कुंभक का ध्यान रखना है। रेचक मतलब कोई भी आसन लगाते हैं तो सांस निकालना है, कुंभक मतलब रोकना है, और फिर बाद में आसन छोड़ते हुए सांस को वापस लेना है। 10-20-30 सेकंड का ध्यान रखना है। अपने पास में घड़ी नहीं है, अंदाजन मतलब आप उसको करते रहिए। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, सात,
ये सात क्रियाएं जो है बहुत ही हमको फिट रखने वाली, बहुत ही अच्छी, सब जगह चेहरे के लिए, कानों के लिए, हमारे दिमाग के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, एड़ियों से लेकर के सब ये सात योग क्रिया है। उसमें उष्ट्रासन भी है, मंडुकासन भी है, दो चार आसन है उसमें। तो ये सारे के सारे आसन हैं, अपन को नाम से कोई मतलब नहीं, काम से लेना देना है। और ये मत मानिए कि कोई मैं योगा करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है, होता है। कभी कभार हमारे भी उम्र के हिसाब से या कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर नीचे पैर हो जाता है तो जोड़ों में इसमें पेन हो जाता है, सूजन आती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक जो उपचार तो हमको करने हैं, सुरक्षा के लिए कहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ है क्या, ये भी देखना चाहिए, डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, डॉक्टर वहाँ पे एक्सरे भी निकलवाना चाहिए ज़्यादा गंभीर स्थिति हो तो। मगर उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। हमारी कहीं ऐसी दिक्कत आ भी जाती है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो है वो या डॉक्टर है उनके निर्देशन में वही हमको एक्सरसाइज बताएंगे। और वैसे कभी कभार अपन को सोने से, करवट सोने से या कहीं घर के घर में ही कोई पेन हो जाता है, घुटने में पेन हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये 40-50 साल के बाद में जोड़ों के दर्द हमारे चालू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं में ये समस्याएं होती है। क्यों उनके ये परेशानी होती है कि हमारे जो दूध दही वगैरह जो चीज़ें हैं जिनसे कैल्शियम हमको प्राप्त होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और इसलिए धूप में भी हमको रहना पड़ता है, ये नहीं हो पाता है काम। इस वजह से ये हमारा समस्या शुरू हो जाती है। और उसके लिए यही है, कभी कभी मतलब इस उम्र में 50-60 के बाद में अचानक ही कोई बद्दल वगैरह निकल जाते हैं तो घुटनों में, एड़ियों में, कहीं बदन में दर्द शुरू हो जाता है। मगर उसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको निरंतर इसको धीरे धीरे, उस दिन आपको पहले जैसा योगा नहीं होगा, उतना मतलब मुलायम जोड़ नहीं रहेंगे, मगर उसको करिए, धीरे धीरे करिए, जितना होता है उतना करिए। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि धीरे धीरे आपको उसमें भी दर्द में, पेन में रिलैक्स मिल जाएगा, मगर इसको छोड़ो मत। हाँ ज़रूर है, बड़ी बड़ी कोई समस्या है आपको, जोड़ों की, हड्डियों की, कोई बड़ा फ्रैक्चर है तो ऐसे वक्त आपको आपने चिकित्सक है, डॉक्टर है उनको, और फिजियोथेरेपिस्ट या कोई अच्छे योग के जानकार हो उनके मार्गदर्शन में ही योगा करने हैं, मन से नहीं करना। कृपया करके अपने मन का हिसाब मत लगाइए, क्योंकि उस स्थिति में आपको लाभ के बजाय, मन से करोगे और कुछ भी करोगे तो आपको लाभ के जगह नुकसान हो सकता है। मगर घबराइए मत, छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक करवट पे सोने से या गर्दन एक तरफ से रह गई, हाथ ही हमारा करवट बदले नहीं, शोल्डर पेन है, ये तो हमारे निरंतर योगा करते रहेंगे तो उससे क्लियर हो जाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये ही नहीं कि किसी को योगा करने वाले को कुछ होता नहीं, करता रहेंगे, ऐसे नहीं, सबको ही कुछ होता रहता है, मगर ये एक अच्छा उपाय है। और डॉक्टर साहब भी इलाज करने के बाद में आपको योगा व्यायाम करने के लिए ही कहते हैं। कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनका हमको मार्गदर्शन लेना पड़ता है, कठिन परिस्थितियों में उनके पास में हमको योगा करना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी का एटोनॉमी है, जो अंदर की रचना है वो जानते हैं, तो नुकसान नहीं हो पाता। तो जहाँ जहाँ जो जो योग्य है उसका उपाय हमको करना है, मगर निरंतर हमको योगा करते रहेंगे, जितना बनता रहे उतना करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। और आप निरंतर योगा करते रहे, मेरी भावना ये है कि आप निरंतर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दवा और हॉस्पिटल से दूर रहे, यही कामना के साथ में, मंगल कामना के साथ में आज का ये एपिसोड अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।